नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजते ही देखिए सभी पार्टियां अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है और जीत का हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में देखिए भाजपा ने किस प्रकार कांग्रेस और सपा को एक बड़ा झटका दिया है, जहां कांग्रेस और सपा की ओर से फतेहपुर सीकरी पर राजबब्बर को चुनाव लड़ाने की अटकलें चल रही हैं। इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस के राजबब्बर को भी एक झटका दे दिया है। आगरा में राजबब्बर के मजबूत टीम कहे जाने वाले लोगों को भाजपा ने पार्टी में शामिल कराया है। राजू लवानिया और राजीव जैन को भाजपा सांसद राजकुमार चौहान ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और कांग्रेस के प्रदेश सचिव और राजबब्बर की सबसे मजबूत टीम रह चुके ये दोनों नेता हैं, जिनको देखिए किस प्रकार भाजपा ने अपने पाले में खड़ा कर लिया है। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा भी नखलऊ में भाजपा में शामिल हो गए और कुछ दिन पूर्व एक और कांग्रेस के प्रदेश सचिव और राजबब्बर के करीबी दो बार चुनाव लड़ चुके उपेंद्र सिंह भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आगरा में ब्रज क्षेत्र में लगातार देखिए कार्यालय में पार्टी में किस प्रकार सभी को शामिल कराया है। सांसद राजकुमार चौहान और जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा के साथ पार्टी के नेता भी मौजूद रहे और देखिए क्या कुछ बोले हैं सभी नेता और किस प्रकार राजू लवानिया ने भी अपने विचार करते हुए किस प्रकार भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, तो जानिए क्या कुछ कहना है इन सभी नेताओं का। प्रतिनिधि रहा हूँ क्षेत्रों में, मैं सांसद रहा यहाँ से, उत्तराखंड से इसके सांसद और आज हमारे विशिष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विकसित भारत सरकार 2047 में जो प्राप्ति एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें प्राप्त करने के संकल्प के साथ जोड़ने का मेरा ध्येय है और इस अवसर पर हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारी, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे जिला के युवा सांसद आदरणीय राजकुमार चौहान जी एवं सबकी गरिमापूर्ण उपस्थिति में आज हैं सदस्यता ग्रहण की। आप बब्बर साहब के नज़दीकी रहे हैं, फिर से जो चर्चा चल रही है कि बब्बर साहब फतेहपुर सीट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके, कितना काम कर पाएंगे? जी, ये तो इस समय मोदी जी का ही कारंटी का ही सब जगह बोलबाला है और कांग्रेस में नहीं लगता किसी भी अपने वादे पर आज तक खड़ी उतरी है या आगे कुछ कर पाए। राजबब्बर जी का इस समय राजनीति में लगभग निष्क्रिय से थे 4-5 साल से, तो हमें लगा कि अब जो है हमें हम भी उनकी वजह से काफ़ी निष्क्रिय थे क्षेत्र, तो हमें लगा कि सक्रियता का समय आ गया है, हमें सक्रिय होना चाहिए और भाजपा ही इस समय सबसे ज़्यादा हमें लगा कि हमें जुड़कर भाजपा से उनके राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोगी बनना हमारा ठीक है। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव श्री राजू लवानिया जी और आगरा से पूर्व में सांसद रहे हैं, उस समय समाजवादी पार्टी से रहे, बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके साथी सहयोगी जो पिछले 30-35 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के लगाए और समाज में काम किया, तो आज राजीव जैन और राजू लवानिया जी दोनों ने साथियों ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री गिरिराज कुशवाहा जी ने उनको सम्मिलित किया है। इस अवसर पर हमारे क्षेत्रीय महामंत्री श्री नागेंद्र सिकरवार जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री हेमेंद्र शर्मा जी जो जिले के हमारे चुनाव के संयोजक भी हैं और अवधेश रावत जी हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी, ये सब लोग आज उपस्थित हैं। तो मैं राजू लवानिया जी का
कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए और उन्होंने मोदी जी की नीति और नीतियों में, योगी जी की नीति नीति में और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास व्यक्त किया है और राजीव जैन जी ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं आप दोनों साथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आपका पूरा समय हम मोदी जी के नए भारत के निर्माण और विकसित भारत के संकल्प के लिए लगेगा और आपके सहयोग से पार्टी बहुत मजबूत होगी। मैं जानता हूँ कि राजू लवानिया और राजीव जैन जी का व्यापक संपर्क फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र और आगरा में है, आसपास के जिलों में भी है, फिरोजाबाद में भी आपने काम किया है, तो आपका निश्चित रूप से लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा आने वाले समय। आज क्षेत्र कार्यालय पर माननीय राजू लवानिया जी और राजीव जैन जी ने पार्टी का दामन थामा है। इसी तरह आज 12 बजे लखनऊ में पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा जी, राजेश वर्मा जी, समाजसेवी हमारे सोनू शर्मा जी, समाजसेवी हमारे भगत सिंह बघेल जी, नीरज बघेल बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी और पूर्व कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी फतेहाबाद शैलेंद्र यादव ने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की है। इन सबका पार्टी के अंदर हृदय से मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनके अपनी पार्टी में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और निश्चित ही इनकी ज्वाइनिंग से हमारा फतेहपुर सीकरी लोकसभा में बहुत सारा उत्साह और बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये लगातार निरंतर सभी लोग जो सातों लोग वो और दो आगरा में ज्वाइन कर रहे हैं, इनका लगातार निरंतर सघन संपर्क पूरे क्षेत्र में रहता है, इनसे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही लाभ होगा। और मैं प्रदेश का सचिव रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। आज भाजपा का दामन क्यों थाम लिया? मैंने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के जो भारत निर्माण में और उसमें संकल्प में शामिल होना चाहता हूँ। मोदी जी की नीतियाँ, आदरणीय मोदी जी की नीतियाँ, आदरणीय योगी जी की नीतियों को लेकर मैं आगे चलना चाहता हूँ, इसलिए आज मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। राहुल गांधी भी तो गारंटी दे रहे हैं। नहीं, गारंटी अब ठीक है, वो दे रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि उनकी कोई गारंटी का कोई असर है। मोदी जी की गारंटी का पूरा असर। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबी न्यूज।